आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रीटा डागरे की अगुवाई में वार्ड क्रमांक 15 स्थित गांधी प्रतिमा गांधीनगर एवं मूसाखेड़ी क्षेत्र में ध्वजारोहण एवं मिठाई वितरण का आयोजन सम्पन्न किया गया। इंदौर शहर महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यवाहक अध्यक्ष रीटा डागरे की अगुवाई में 72वें गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रीमती रीटा डागरे ने वार्ड क्रमांक 15 के गांधीनगर में गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ध्वजारोहण किया। कांग्रेस पार्टी मैदान में जय जवान जय किसान, किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। इसके पश्चात मूसाखेड़ी में भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 51 किलो मिठाई वितरित की गई। आपको बता दें कि श्रीमती रीटा संजय डागरे सामाजिक संस्था ट्विंकल महिला उत्पीड़न समिति के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। आज आयोजन के दौरान मुख्य रूप से इंदौर शहर महिला कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती रीटा डागरे, टीना चौहान, ममता बाथम, संगीता लश्करी, सोनिया डागर, खुशी रानी, आयुष कनक, रितिका अलका, हर्षिता एवं अनेक महिलाओं व युवतियों ने लोगों के बीच मिठाई वितरित कर गणतंत्र दिवस की खुशियां साझा की। वार्ड क्रमांक 15 में खड़ी हूं, गांधी जी की प्रतिमा के पास। आज गांधी जी को माल्यार्पण किया है और गणतंत्र दिवस बड़ी हर्षोल्लास से मनाया है। अब मेरे भाई 15 नंबर वार्ड की जनता को, मेरे भाई बंधुओं को आज मुंह मीठा करके और गणतंत्र दिवस बड़े हर उल्लास से मनाया है। ये जो वार्ड क्रमांक 15 में आप हमेशा आयोजन लगातार करते जा रहे हैं और आज गणतंत्र दिवस जो आपने मनाया है, क्या लगता है आपको लोगों में किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है गणतंत्र दिवस? आज बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। आज लोगों के चेहरे पे हंसी है, खुशी है। आज आज़ादी को पूरे 72 साल हो चुके हैं तो लोगों के चेहरों पर हर्ष और उल्लास है, तो हमें भी खुशी हो रही है आज इनके संग गणतंत्र दिवस की खुशियां बांटने में। और लड्डू बांटे हैं आज और उनका मुंह मीठा करा है। आपका नाम? रीटा डागरे, महिला कांग्रेस कार्यवाही अध्यक्ष।